हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। वेदांता ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। सबसे पहले हम जानेंगे रिजल्ट कैसे, ये जो फिगर है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। अगर हम टोटल इनकम का फिगर देखें 34,674 करोड़ वर्सेस 31,074 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 23,621 करोड़ है। टोटल इनकम इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेस पे। टोटल एक्सपेंस जो है वो भी बहुत इंप्रूव हुए, 26,845 करोड़ वर्सेस 23,222 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 18,211 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट कह सकते हो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप कुछ भी कह लो, वह 5,354 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5,812 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4,224 करोड़ थे। यानी जो नेट प्रॉफिट है वो भी घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। सो रिजल्ट इज नॉट गुड, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट घटता है उससे हम अच्छा नहीं कहेंगे, कारण चाहे जो भी हो। नाउ अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट को भी साइड बाय साइड देखें, टोटल इनकम 21,227 करोड़ वर्सेस 15,813 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 15,676 करोड़, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर अच्छा खासा जंप है टोटल इनकम। बट टोटल एक्सपेंसेस का नंबर वो बहुत बड़ा है, 14,078 करोड़ वर्सेस 11,876 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8,573 करोड़, यानी टोटल एक्सपेंसेस जो है वो बहुत बढ़ चुके हैं। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर इसका इंपैक्ट है। हालांकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 7,186 करोड़ है वर्सेस 3,973 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी 7,103 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेस पर अच्छा खासा जंप नहीं देख सकते, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जंप है। बट जो नेट प्रॉफिट वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट आप कुछ भी कह लो, वो नंबर है 6,489 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 3,279 करोड़ थे, फॉर सम रीजन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5,720 करोड़ थे। सो डेफिनेटली कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आर नॉट दैट मच गुड। हालांकि स्टैंडअलोन रिजल्ट में हम इंप्रूवमेंट देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट मार्केट जो है वो स्टैंडअलोन रिजल्ट से ज्यादा कंसोलिडेटेड रिजल्ट को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि वेदांता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स। सो डेफिनेटली रिजल्ट इज नॉट दैट गुड। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्रेजेंट मूवमेंट को देखें, प्रेजेंट प्राइस है 328, रिसेंट स्टॉक में करेक्शन देखा था हमने थोड़ा, 335 का हाई है, 323 का लो है। ये स्टॉक 300 के नीचे नहीं जाएगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसका बाय एंड डिप स्टॉक, अगर मार्केट करेक्शन में पार्टिसिपेट करता है स्टॉक गिरता है। रिजल्ट इज नॉट दैट मच गुड कंसोलिडेटेड बेस पे अगर हम देखें। सो डेफिनेटली स्टैंडअलोन रिजल्ट तो अच्छे है, बट कंसोलिडेटेड रिजल्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सो अगर मार्केट करेक्शन में यह स्टॉक पार्टिसिपेट करता है, सो नीचे आता है, आप बाय कीजिए नियर 300 के नीचे, यह स्टॉक नहीं जाएगा, बहुत बड़ा सपोर्ट है एंड इट वाज अ इंपॉर्टेंट लेवल। अगर जाता भी 296 से बाउंस बैक करके 300 के ऊपर आ ही जाएगा, बट जिन लोगों ने बाय किया था ऊपर की तरफ वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट नो नीड टू डू एनीथिंग, मार्केट करेक्शन में नीचे आता है देन आप बाय कीजिए, उन स्टॉक के साथ जाइए जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिनका रिजल्ट अच्छा है उनको आप करेक्शन में बाय कर सकते हो। दैट इज द सजेशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे जानको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।